Hello students, so today in this part 4 we will start. Our topic is problem of multiplication. This topic mein hum word problem ko discuss karenge. Wo bhi hamara topic kya rahega, multiplication ki word problem. Now option is the cost of a chair is rupees 880. Find the cost of such 76 chair. Ek chair ka cost 880 hai, tab humko batana hai ki isi prakar 76 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा. सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व राइट करेंगे, देन ये वन स्टेटमेंट राइट करते हैं. कॉस्ट ऑफ अ चेयर, जो हमारा एक चेयर का कॉस्ट है, राइट करेंगे रुपीज क्या है आपका 880. आपको फाइंड क्या करना है, सच 76 चेयर कॉस्ट आपको बताना है. ओके, सो ये आपको फाइंड करना है. इट मीन्स आप क्या करेंगे, 880 मल्टीप्लाई बाय 76, क्योंकि एक चेयर का आपको कॉस्ट ऑलरेडी दिया है. सो हम 76 चेयर का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ वर्किंग करेंगे, वर्किंग में हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो राइट करते हैं, लेट अस राइट 880 मल्टीप्लाई बाय 76. नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन. 6 का 10 0 टाइम 0, 6 8 जब 48 का 8 वोल्ट आपका बचेगा कैरी, 6 8 जब 48 48 और 8 आपका हो जाएगा 52. नाउ 7 का डिफरेंस देखेंगे, 7 का डिफरेंस न्यू टाइम बढ़ेगा 0, 7 8 जब 56 का 6 कैरी बचेगा 5. नाउ 7 8 जब 56, 56 और 5 आपका हो जाएगा 61. नाउ प्लस करेंगे 0 8 8 6, आपका 6. नाउ एडिशन कर लिया है, आंसर इज 66,880 रुपीज. सो हैंस द कॉस्ट ऑफ सच 76 चेयर is rupees 66,880. So indirectly you can solve these questions. So keep practice on this particular topic. Thank you.